हाँ, तो मैं बिजली में काम करते हुए लेंथ फॉल्ट हो गया था। अच्छा, तो उससे मेरा हार्ट डैमेज हो गया था। इससे पहले एक कंपनी आई थी TDS, जी उनने ये कहा था कि रात के लाइनमैन अलग रहेंगे और दिन के अलग रहेंगे, तो एनी टाइम 24 घंटे हम लोगों को काम करना पड़ता, ना रात के लाइनमैन रखे गए ना हो। अरे बिल्कुल सही है। देखो, एक औरत अपने आदमी को नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा। अच्छा, ना शराब पीते हैं और ना औरतबाजी है, कुछ नहीं है। उतना टाइम ही नहीं मिलता इनको, जो घर में भी आके खाना वाना कुछ खा लें। और फोन कर करके बुलाती हूँ कि भैया आओ खाना खा लो आके, तो वे कहते हैं कि कर लेगा अभी, जरा काम कर ले तो दबाए। आपके बताओ, जो बच्चे थोड़ा बहुत कुछ लेके आते हैं उसी में गुजारा करते हैं। किराया का किराया देना पड़ता है। किराए का मकान है जी, किराया का मकान है। भास्कर टुडे में आपका स्वागत है, मैं नाजिम। आज हम पहुंचे लोनी गाजियाबाद के प्रेम नगर एरिया में, जहां पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। आखिर उसमें कितनी सच्चाई और नोकझोंक क्यों हुई है? तो आपका नाम? मेरा नाम हरीश है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं लैंडलाइन का कार्य करता हूँ। तकरीबन कितना समय हो गया आपको? मेरे को कई 12-13 साल होते आ रहे हैं। अच्छा, जब से मैं काम कर रहा हूँ 12-13 साल से। जो ये घर है आपका, क्या आपका अपना है? नहीं जी, किराए का। किराए का मकान है जी। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपकी और जय की नोकझोंक हुई है, क्या मामला है? वो मामला ऐसा है कि ट्रांसफार्मर ने फ्यूज उड़ा दिए थे जी, तो उसकी LT खोल के ट्राई लेनी थी मुझे, और एक नेहरू पार्क का ट्रांसफार्मर था उसकी भी LT खोल के ट्राई लेनी थी। इतने दिन में जय साहब का फोन आया, क्या हुआ प्रेमनगर में? मैंने साहब ऐसी सी बात है, तो कहने एक साथ दो दो फ्यूज। और सुन, मैं तुझे एक बात समझा रहा हूं, अगर कोई किसी की लाइट चले या ना चले, ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होना चाहिए। और मतलब ऐसी बातचीत करते रहे, तो मैंने कहा साहब एक बात बताओ, आप तुम बदतमीजी तू तो आ गए, वो बदतमीजी कह जाते हैं, कहने काम छोड़ दे। मैंने हाँ मैंने काम छोड़ दिया। कहने भाग गए यहां से? मैंने हाँ भाग गए। तो इससे पहले भी वो एक दो बार मुझसे गाली गलौज की उससे बात कर चुके थे। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर मत छेड़ना। ट्रांसफार्मर छेड़ना नहीं सर, ट्रांसफार्मर का जो काम नहीं चाहिए, ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं होना चाहिए। नहीं, जो ट्रांसफार्मर को चेक करने का जो काम है, होना तो इंजीनियर का चाहिए, लेकिन वो आपको बोलते हैं चेक करने के लिए। हाँ, वो LT वगैरह तो खोलने का हम लोग ट्राई लेंगे जी, लेकिन जो अंदर का खोल काम होता है जी, वो भी हम लोग को करना पड़ते हैं। लेकिन वो तो इंजीनियर का होता है ना? हाँ, इंजीनियर का होते हैं, लेकिन अब इतनी नॉलेज है हो गई हम लोगों को कि हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं अंदर भी। ये वो आपसे करवा देते हैं कि भाई छोड़ यार, यही कर लेंगे। हाँ, ऐसे तो मतलब वीडियो ऑडियो में है जो आप तो कुछ इल्जाम लगा रहे हैं कि दारू दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और मतलब गंदे इल्जाम लगाए गए हैं आपके ऑडियो में जो है। भाई साहब, जिस आदमी ने कभी बीड़ी नहीं पी, दारू तो बहुत दूर की बात है, और ज्यादा है तो मेरा क्या कहते हैं, डॉक्टरी करवा लो, मेडिकल। अगर दारू पीते होंगे तो आ जाए तुरंत। जिस बंदे ने कभी बीड़ी नहीं पी, हाँ इतना शौक है मुझे तंबाकू का तो है, बाकी दारू का तो बिल्कुल नहीं है। यानी अगर के आप कह रहे हैं, अगर वो अपनी जगह सही है कि मेरे पे जो इल्जाम लगाए हैं शराब का, वो मेडिकल करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप निश्चित हैं इस चीज से? बिल्कुल निश्चित हैं। अच्छा, आपको 13 साल इस सर्विस को करते हुए हो गए? जी बिल्कुल जी। तो वहां पर कोई आप जो लाइनमैन का जो आपको ग्रुप है, वहां पर आप ही सीनियर हैं, आपसे ऊपर भी कोई है? उम्र की बात करूं या इतने लंबे समय से आप सर्विस दे रहे हैं उसके मामले में बात करूं? अब देखो, सीनियर तो खैर उम्र के हिसाब से तो मेरे को होना चाहिए, लेकिन ये है कि मैं हाथ की वजह थोड़ा कमजोर हो गया। अच्छा, हाथ में क्या हुआ? हाथ में बिजली में काम करते हुए लेंथ फॉल्ट हो गया था। अच्छा, तो उससे मेरा हाथ डैमेज हो गया था। हालांकि वो गलती मेरी ही थी, क्योंकि रमजान थे, मैंने चाहा नहीं कि पूरी कॉलोनी परेशान हो एक केबिल के लिए जी, तो मैं चालू में नहीं कर दिया था वो काम, तो मेरी गलती थी। तो रंजीत, उस टाइम पर रंजीत सर थे, उन्होंने कहने कोई बात नहीं, आप इलाज करवाओ। हमने इलाज भी करवाया, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही, या और भी जय आए कभी कोई बदतमीजी नहीं बोला, लेकिन ये पहले ऐसे जय थे जो मुझसे ज्यादातर मुझसे बदतमीजी से बात करते थे, तू थोड़ा से। ऐसा तो नहीं आपसे ज्यादा काम बिगड़ो, आपकी वजह से कुछ ज्यादा ट्रांसफार्मर फूक गए, कोई दिक्कत है इस वजह से आप चिढ़ते हो? आप किसी से भी पता कर लेना हमारी कॉलोनी में भी जी, कि इस पूरी गर्मियों में मेरे हाथ से कोई ट्रांसफार्मर नहीं फूका, एक फूका 100, वो भी 100 का बस।
कितना समय हो गया एन जई साहब को यहाँ पे? उनको तकरीबन हो गई 5-6 साल की आ रही है। 5-6 सालों में इनका व्यवहार ये गुस्सा गर्मी वाला? हाँ, उखड़े उखड़े से रहते हैं इसी। 13 साल आपको इस लाइन के अंदर हो गए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 13 साल के अंदर के से आप घर पे कब आते हैं, कब जाते हैं, कोई टाइमिंग आपकी इस तरह से कोई बंदी हुई नहीं? टाइमिंग कोई नहीं है। इससे पहले एक कंपनी आई थी TDS, उनने ये कहा था कि रात के लाइन मैन अलग रहेंगे और दिन के अलग रहेंगे, तो एनी टाइम 24 घंटे हम लोगों को काम करना पड़ता, ना रात के लाइन मैन रखे गए ना कुछ हुआ। मतलब अधिकारी तो 6 बजे चले जाते होंगे? हाँ, अधिकारी तो 6-7 बजे चले जाते हैं। लाइन मैन का कुछ नहीं पता घर कब जाएगा? नहीं, लाइन मैन का कोई पता नहीं होता कि वो घर किस टाइम पहुंचेगा। और ये भी नहीं पता था कि घर वो पहुंच पाएगा भी नहीं पाएगा? हाँ, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ये तो वृक्ष वाला काम है, जरा नहा चुकी है और काम हुआ बंदे का। क्योंकि कड़ी गर्मी हो या कड़ी ठंड हो या बरसात हो, लाइन में अपना काम कई बार ऐसा हुआ कि मुझे चक्कर तक आ गए जी, फिर मैं पानी पी के थोड़ा तसल्ली लेके फिर मैंने काम करे लूप में, ऐसा भी हो जाता है। तो अब क्या चाहते हैं आपको, नौकरी पर भी है या आपको निकालना है? हमें हटा दिया गया बिल्कुल। आपने कहीं किसी से मदद कोई गुहार नहीं लगाई? हाँ लगाई है, एक्शन साहब को कागज दिए थे जी, तो कहने लगे आप ही रही से, हमने हाँ जी, कहने आप बहुत ज्यादा बदतमीजी बोलते हैं अधिकारी, आपके नाम की बहुत कंप्लेंट है। हम वो बड़े अधिकारी थे, मैं और क्या बोलता, तो कहने आप जाइए, हमने ले लिया आपकी एप्लीकेशन, हम जाइए आप, बस इतनी बात हुई। मतलब वहां से भी कोई संतुष्ट वाला जवाब नहीं मिला? नहीं, वहां से भी कोई संतुष्ट वाला जवाब नहीं मिला। तो हमने रईस का भी आपके सामने बयान रख दिया, फिर उनका क्या कहना है इस मामले पर, वो क्या चाहते हैं, क्या अब तक हुआ है। तो उनकी पत्नी हमारे साथ है, तो इनसे भी जानेंगे जो उन पर इल्जाम लगे हैं कि वो शराब पीते हैं और रात को ना जाने कैसे कैसे उन पर इल्जाम लगाए गए, तो उनसे ही जानते हैं, क्योंकि घर में जो व्यवहार होता है, एक औरत ही मर्द का व्यवहार जान सकती है, कब आ रहा है कब जा रहा है, वो पूरा उसका ख्याल रखती है, पूरा ध्यान रखती है, गलत चाल चलन होता है तो घर में भी क्लेश होती है, तो वही सब जानेंगे आज हम उनसे। तो आपका नाम? मेरा नाम तैयबा बेगम। जी सर, रईस पे इल्जाम लग रहे हैं कि वो शराब पीते हैं, वो मतलब गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है, कैसा व्यवहार इनका? अरे बिल्कुल सही है, देखो एक औरत अपने आदमी को नहीं जानेगी तो और कौन जानेगा। अच्छा, ना शराब पीते हैं और ना औरतबाजी है, कुछ नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिलता इनको, जो घर में भी आके खाना वाना कुछ खा ले, और फोन कर करके बुलाती हूँ कि भैया आओ खाना खा लो आके, तो वे कहते हैं कि कर लगा अभी जरा काम कर ले तो दबाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो लगाने के लिए तो इल्जाम कुछ भी लगा सकते हैं, जब शराब का लगाया उन्होंने तो वो औरतबाजी का भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, उनकी चल सकती है, चल रही है उनकी। तो रात में कब आते हैं? ये रात में तो ये है सुबह के जैसे 6 बजे जाते हैं, और रात के खाना में 1 बजे 2 बजे 3 बजे 6 बजे तक भी आ सकते हैं, ये कोई टाइम नहीं है रात इनका, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं, नहीं पता घर से निकलेंगे कब लौटेंगे, कब लौटेंगे, फिक्र रहती हूँ की चिंता है, फोन करके पूछते हैं हम तो इनसे के भैया खाना खाने आओ तो खाना खाओ आके, टाइम देखो थोड़ा बहुत तो अपना वास्ते लौटे, मतलब घर की रस्ती भी देखो भाई, क्या हमारी औरत ने हमारी औरत के पास क्या है क्या नहीं, जब आदमी सुबह का निकला हुआ शाम को आएगा कोई पता ही नहीं, तो औरत को क्या देखेगा, क्या ध्यान देगा घर पे। अच्छा, औरत खुद लेके आती है सामान घर का, घर की गृहस्थी का अपना सामान जो भी कुछ है, और क्या नाम है अपना, ये टाइम कोई पता नहीं इनका आने का, इतना टाइम देते ही नहीं थे जो कोई ये छुट्टी हो इनकी। यानी आपका घर में इतना सब कुछ होने वाले, घर में कोई ऐसा लग रहा है झगड़े वाले व्यवहार नहीं, कोई क्लेश नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, कोई ऐसा मामला नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या घर में उखड़े उखड़े से रहते हैं, कोई ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जब इतने चोट गिरे थे, ये चोट लगी थी इनके, जले थे, जब नहीं कुछ इनके साथ में ऐसा हुआ, और अब क्या करेंगे ये बताओ, बच्चे हैंगे बड़े छोटे छोटे बच्चे हैंगे, कोई ये थोड़ा ही ना है कि लड़ाई बड़ाई होके उससे होगी, जब इतना टाइम ही नहीं दे ही देंगे तो लड़ाई बढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। घर में कितने लोग हैं? घर में हम 3 बच्चे हैं मेरे, और क्या नाम है, 5 लोग हैं। तीनों बेटी हैं कि बेटे? नहीं, लड़के हैं तीनों। अच्छा, अच्छा। तो घर की जिम्मेदारी अभी इन्हीं पे है? अच्छा, अभी इन्हीं पे है। हाँ, इन्हीं पे अभी बच्चे काम सीख रहे, तो इनको नौकरी से निकाल दिया, घर का खर्चा वर्चा कैसे? आपके बताओ, दो बच्चे थोड़ा बहुत कुछ लेके आते हैं उसी में गुजारा करते हैं, किराया देना पड़ता है। किराए का मकान है? जी, किराया का मकान है। 13 सालों से सर्विस में और अब तक किराए के मकान नहीं? अब ये है कि इन पे धोखाधड़ी से वाला काम तो आता नहीं इन पे, और क्या नाम है, ऐसा है नहीं कि चोरी चकारी इन पे करनी नहीं आती, अब वो है कि इल्जाम कुछ भी लगा दे इन पे। आज को जो हम इतना होते तो आज को अपना मकान खुद का होता, अभी हमारा खुद का मकान नहीं है, किराए पे भटकते फिर रहे,
अब वो ये सच्चा इंसान की हर जगह कहाँ चलती है। जो बलराम नगर के जय हैं पुष्पेंदर जी, उनके द्वारा जो इल्जाम लगाए गए हैं उनको आप क्या सही ठहराते हैं या वो केस गलत है? भैया जो भी इल्जाम लगा रहे थे सब झूठ लगा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश। हाँ, बदनाम करने की कोशिश में, इसलिए कि ये कहीं नौकरी पे लग नहीं सकते, बस ये है। क्योंकि देखो खुद तो वे चले जाएंगे, दूसरों को परेशान करके जाएंगे, बस और कुछ नहीं। तो बदनाम क्यों करना चाह रहे हैं? वो तो उनको पता है ना कि देखो जब शराब का इल्जाम लगा दिया, औरत का इल्जाम लगा दिया, तो वो कुछ भी लगा सकते हैं, उनकी चलती है। हम लोग क्या है, हम लोग तो बस वो ये चीटी मकोड़े है, मसल कर रहे बस उनको। अब जय के बारे में तो हमें कुछ कहना नहीं है, वही है कि उनकी मर्जी है, वो हमारा तो यही है कि जब आज वे इनकी साथ में कर रहे हैं औरों की भी साथ में करते होंगे, तो ऐसे जय को तो हटाने से फायदा ही है। रोजी पे लात मारनी है गरीब आदमी को, ये देखो कि वो सहारा तो और क्या लगाए, और उनको और नौकरी पे से हटा दिया, और उनको ये नहीं देखा कि उनका जला हुआ हाथ है, उनका काम नहीं करता, नीचे तो काम सारा करते हैं वे, और रोजी रिजक हमारी छीन ली उन्होंने, ये बताओ कोई वे अच्छे हैं? हमारी नजरों में वे अच्छे नहीं है। हाथ भी उनकी वजह से खराब। हाँ, हाथ भी उन्हीं के खराब हुआ उनकी वजह से। बदतमीजी इतनी बोलते हैं वे हद से ज्यादा है, क्योंकि ये इतना बदतमीजी नहीं बोलते, वे तो क्या नाम साहब साहब बोलते हैं, वो तू तड़ाक पे और बदतमीजी पे गाली गुच्छड़ पे आ जाते हैं, लेकिन वे तो क्या नाम है उम्र में चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हम लोगों में तो इज्जत दी जाती है, वे नहीं इज्जत देते किसी को, तो उनकी वो गलती है, उनकी गलती है। घर के दोनों मेंबरों को आपने सुना, रईस को भी सुना, उनकी पत्नी को भी आपने सुना, दोनों का यही कहना है जो भी इल्जाम लगाया गया सरासर झूठे हैं। अगर किसी तरह का उन्होंने आरोप लगाया तो वो मेडिकल करा सकते हैं, अगर वो शराब का नशा करते हैं किसी तरह का और अदर नशा करते हैं तो वो मेडिकल कराने के लिए तैयार है। इनका साफ साफ ये कहना कि जय ने जो आज इनके साथ किया कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे जय को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, आखिर जय का ऐसा व्यवहार इन लोगों के प्रति क्यों है, या किसी और के प्रति भी ऐसा व्यवहार क्यों है? अधिकारी को शांत स्वभाव का होना चाहिए, जो काम वो प्यार से ले सकता है गुस्सा गर्मी से नहीं ले सकता। ये विद्युत कर्मी दिन रात लगे रहते हैं, इनका कोई टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है, रात में कब आते हैं सुबह कब जाते हैं, बीवी की बच्चों की कुछ फिक्र नहीं है, घर से निकल जाते हैं, घर के जो लोग होते हैं वो भी टेंशन में रहते हैं, पापा आएंगे नहीं आएंगे, खाना खाया कि नहीं खाया। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। आप पर छोड़कर जा रहा हूं, जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मिलेंगे आपसे अगले पहलू में।